ई सीज़ परपेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ये वीडियो पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशनस के जो एक कंप्यूटर के रिलेटेड इम्तहान होते हैं जैसा कि लेक्चरर की जॉब्स के लिए एजुकेटर की जॉब के लिए इंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नेट का टेस्ट होता है गेट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है हती किसी एस एस पी एस पी और पी के जो इम्तहान होते हैं उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है उसके लिए जो है ये वीडियो कार आमद है और अपकमिंग जो आने वाली एजुकेटर्स की जॉब्स हैं उसमें कंप्यूटर का पोर्शन होता है इसी तरह इसके साथ साथ वन पेपर जो है एम सी होते हैं जी का पोर्शन होता है उसमें भी दस नंबर के एटलीस्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये कारमद है इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो के मुतलक हमने एक क्वेश्चन पेपर जनरेट किया है जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने राइट कर दिया है पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपने आप की सेल्फ़ असेसमेंट कर सकते हैं और उस पेपर में हमने करेक्ट आंसर का ऑप्शन भी दिया है कि जब आप इसको आप को इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे सबमिशन के बाद आपको करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के बारे में भी आगाह करेगा अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एम सी क्यूज क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट स्पीड स्लॉट आई एस ए सेकेंड है ए जी पी थर्ड है पी सी आई फोर्थ है ए जी ए पी जी तो इसका करेक्ट आंसर है ए जी पी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू अब वीडियो गेम इज़ प्लेड बाई यूजिंग साउंड मॉडर्म ग्राफिक्स नेटवर्क इंटरफेस तो इसका कुरेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री बार कोड रीडर इज़ खाली जगह डिवाइस आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस डिस्प्ले स्टोरेज तो इसका कुरक्ट आंसर है बी जो कि क्या है इनपुट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फिंगर प्रिंट रीडर रबोट्स साउंड कार्ड बारको रीडर तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है फिंगर प्रिंट रीडर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव रैम स्टैंड फार रैंडम एक्सेस मेमरी रैंडम एनालाइजिज मेथड रीड एबल मेमरी रेंडम अवेलेबल मेमरी तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है रैंडम एक्सेस मेमरी क्वेश्चन नंबर सिक्स देर आर फिल इन द्लैंक्स टाइप्स ऑफ मेमरी ऑप्शन ए है टू ऑप्शन बी है थ्री ऑप्शन सी है फोर ऑप्शन डी है फाइव तो करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है टू क्वेश्चन नंबर सेवन अरेथमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए एल यू ऑप्शन बी ऑप्शन सी ए यू और ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई यहाँ पे सी यू आना था और डी है ए एल यू तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी और सी दोनों हैं क्योंकि तो दोनों के हैं सेम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट रोम स्टोर डाटा रोम स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है डाटा को ऑप्शन ए में आ रहा है परमानेंटली स्टोर करता है बी में आ रहा है टम्प्रेरी और सी में है पार्शली और डी में है फुली uh, तो क्वेश्चन एट का करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है परमानेंटली क्वेश्चन नंबर नाइन फिलिंग द ब्लैंक्स वर्क लाइक ए ट्रैफिक पॉलिस मैन सी यू ए जी पी सी ऑप्शन है रोम डी ऑप्शन है रैम तो इसका करेक्ट आंसर है सी यू सी यू ट्रेंडफार करता है कंट्रोल यूनिट क्वेश्चन नंबर टेन सिस्टम यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मदरबोर्ड ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी पावर सप्लाई ऑप्शन डी आल तो इसका कुरक्ट आंसर है हाल सिस्टम कंसिस्ट जो होता है उसमें मदरबोर्ड भी होता है मेमोरी भी होती है पावर सप्लाई भी होती है क्वेश्चन नंबर एलेवन दी फिलिंग द ब्लैक्स इज़ इज द मेन सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट ऑप्शन ए रैम ऑप्शन बी रोम ऑप्शन सी सीपीयू ऑप्शन डी मदर तो इसका करेक्ट आंसर है मेन सर्किट बोर्ड के ऊपर जो सिस्टम यूनिट होता है वो मदर होता है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वोलाटाइल मेमोरी इज ऑप्शन ए रैम ऑप्शन बी रोम ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ऑप्शन डी सी डी रोम तो करेक्ट आंसर ए है जो कि क्या है रैम रैम स्टैंड फॉर क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज ऑप्शन ए रैम ऑप्शन बी रोम ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ऑप्शन डी सी डी रोम तो करेक्ट आंसर है इसका बी जो कि क्या है रोम रोम स्टैंड फॉर क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर फोरटीन फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ आल्सो नाउन एज ए मेन मेमोरी। ऑप्शन ए रोम ऑप्शन बी प्रोसेसर ऑप्शन सी रैम ऑप्शन डी सी डी तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन जो कि क्या है रैम रैम स्टैंड फॉर क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सम ऑफ द कॉमनली कॉमनली फाउंड एक्सपेंशन स्लॉट आर ए जी पी आई एस ए पी सी आई तो इसका करेक्ट आंसर है आल यानी कि तमाम जो हैं वो एक्सपेंशन स्लॉट जो हैं कॉमनली पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फिलिंग द ब्लैंक्स आर आल्सो कार्ड प्लग इन बोर्ड एक्सपेंशन सलाट एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड प्रोसेसर तो करेक्ट आंसर है बी जो कि क्या है एक्सपेंशन कार्ड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बार बार कोड इज आल्सो नाउन एज ऑप्शन ए है यू पी सी ऑप्शन बी है सी पी यू ऑप्शन सी है एल एस आई ऑप्शन डी है पी ओ एस तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जो कि क्या है यू पी सी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जिसमें पूछा गया है द कैप्चर इमेज विद द हेल्प ऑफ द फिंगर प्रिंट रीडर इज़ कॉल्ड. ऑप्शन ए में आ रहा है लाइव स्कैन ऑप्शन बी में आ रहा है इमेज ऑप्शन सी में आ रहा है यू पी सी ऑप्शन डी में आ रहा है आई एस ए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि क्या है लाइव स्कैन क्वेश्चन नंबर एटीन मोस्टली रिपोर्ट्स आर यूज इन ऑप्शन ए हॉस्पिटल ऑप्शन बी डीप ऑप्शन ऑप्शन सी लेबोरेटरीज ऑप्शन डी आल तो करेक्ट आंसर है रिपोर्ट्स जो है हॉस्पिटल डी पोशन लिबॉटरीज़ और मुख्तफ़ फील्ड में यूज़ होता है तो करेक्ट आंसर है डी जो कि क्या है आल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आई एस ए स्टैंड फार ऑप्शन ए में आ रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बी ऑप्शन है इनपुट स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर सी ऑप्शन में है इनर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डी ऑप्शन है नन तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पी सी आई स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है पेरीहेरल कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट बी है पैरल कंट्रोल इंटरफेस सी है प्रीवियस कंट्रोल इंटरफेस डी है नन तो इसका करेक्ट आंसर है ए जो कि क्या है पेरीहेरल कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट पी सी आई स्टैंड फॉर पेरीहेरल कंपोनेंट इंटरकोनेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेस ग्राफ पॉइंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी आल ग्राफ पॉइंट ऑप्शन सी एक्सेलेटेड ग्राफ पॉइंट पोर्ट ऑप्शन डी नन तो करेक्ट आंसर है सी जो कि क्या है एक्सेलेटेड ग्राफ पोर्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्टेप बाय स्टेप स्टेप इंस्ट्रक्शंस डेट रन कंप्यूटर आर कॉल्ड ऑप्शन ए हार्डवेयर ऑप्शन बी प्रोसीजर ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग ऑप्शन डी हार सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर डी जो कि क्या है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की ये भी डेफिनेशन हो सकती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट टेल द कंप्यूटर इज कार्ड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रिंट प्रिंटर एंड मोनिटर आर कामन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइसेस ऑप्शन बी में है आउटपुट डिवाइसेस ऑप्शन सी में है स्टोरेज डिवाइसिस ऑप्शन डी में है प्रोसेसिंग डिवाइस तो करेक्ट आंसर है बी जो कि क्या है आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ़ोर एन अदर नेम फॉर मेन मेमरी इज ऑप्शन ए में है सेकेंडरी स्टोरेज बी में है परमानेंट मेमरी सी में है प्राइमरी स्टोरेज और डी में है टैप स्टोरेज टेप स्टोरेज तो इसका कुरेक्ट आंसर है सी जो कि क्या है प्राइमरी स्टोरेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अ मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इस ऑप्शन ए है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन बी है एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सी ऑप्शन है सिस्टम एंड डेवलपमेंट और डी ऑप्शन है सिस्टम एंड डिज़ाइन करेक्ट आंसर जो है इसका वो ए है जो कि क्या है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आई यू एस बी फ्लैश मेमरी इज़ आल्सो नाउन एज ऑप्शन ए है फ्लैश डिवाइस ऑप्शन बी है डी वी डी ऑप्शन सी है डाटा ट्रेवलर ऑप्शन डी है डाटा हार्ड ड्राइव तो इसका कुरक्ट आंसर है सी जो कि क्या है डाटा ट्रैवलर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वी डी यू स्टैंड फार ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन बी वॉइस डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन सी विजुअल डाटा यूनिट ऑप्शन डी वॉइस डेटा यूनिट तो इसका करेक्ट आंसर ए है जो कि क्या है विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर इज ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर ऑप्शन बी इंजेक्ट प्रिंटर ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑप्शन डी आल तो इसका करेक्ट आंसर है आल यानी कि तमाम लेजर प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर और डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर तीनों जो हैं ये कामन टाइप हैं प्रिंटर की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन यूज फॉर डी एस एल एंड केबल मॉड मॉडर्न कनेक्शन तो इंटरनल मॉडम एक्सटर्नल मॉडम बहुत ए एंड बी नन तो इसका करेक्ट आंसर बी है जो कि क्या है एक्सटर्नल मॉडम क्वेश्चन नंबर थर्टी अ मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एप्लीकेशन एंड सिस्टम बी ऑप्शन है ऐप्लीकेशन एंड डिज़ाइन सी ऑप्शन है सिस्टम एंड डेवलपमेंट डी ऑप्शन है सिस्टम एंड डिज़ाइन तो इसका कुरक्ट आंसर है एप्लीकेशन एंड सिस्टम थैंक यू डेयर व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो ये उन लोगों की तरफ फॉरवर्ड करें जिनको इनकी ज़रूरत है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ